पाप का तांडव फिर से उठा, जख्मी है मानवता, मर रही है इंसानियत, सोच में है विधाता, देखना है पापियों के सर्वनाश के लिए अब और कौन है आता। नहीं है रानी, नहीं है राजा, नहीं है रानी, है ये अजब कहानी जी। जब जब पाप बढ़ेगा सुन लो आएगा एक जूनियर जी। जूनियर जी, जूनियर जी, जूनियर जी, जूनियर जी, जूनियर जी। बादल है पर ये गरजे तो कांपे पापी, रक्षक का अवतार बन के आ गया है जूनियर जी। जूनियर जी, 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 जूनियर जी। पिछले एपिसोड में आप लोगों ने देखा, ग्रेट फ्यूमांचो को खुश रखने में ही हमारी भलाई। और अब आगे, वो मोटा जिसे आदिवासी उठा कर ले गए। हाँ वही मोंडी है, क्या उसे आदिवासी उठा ले गए? हाँ, दक्षिण दिशा की तरफ। तारा मंडल, तारों की स्थिति के हिसाब से दक्षिण दिशा यही होनी चाहिए। हे भगवान, मेरे पहुँचने के पहले मोंडी को कुछ हो ना जाए। थैंक्स दोस्त, तुमने मेरी मुश्किल आसान कर दी। Oh, no problem, no problem. It's my pleasure. Hey, प्रभु, जूनियर जी और इसके मोटे दोस्त की रक्षा करना। चिंकारा, एक दिन यूं ही मेरे इशारे पे पूरी दुनिया रुकेगी और चलेगी। चिंकारा। ग्रेट फ्यूमांचो, लिंडा, कौन है ये आदमी? पर्वतेश्वर जंगल से मैडम मर्क्यूरी का सिपाही। मैडम मर्क्यूरी, मैडम मर्क्यूरी कैसी हैं? आपकी दुआ से सब ठीक ठाक है ग्रेट फ्यूमांचो। वंडरफुल, वंडरफुल। कहो कैसे आना हुआ? मैडम मर्क्यूरी ये जानना चाहती है कि आप कब तक पहुंचेंगे। आज आपको देवी शाल मंजिरा की पूजा के लिए जाना है। लिंडा, हम ये इम्पोर्टेंट काम कैसे भूल सकते हैं, कैसे भूल सकते हैं अपनी अमावस्या की रात को, क्योंकि आज की रात देवी शाल मंजीरा हमें शक्तियां देती है, शक्तियां देती है। हम ठीक 12 बजे पहुंच जाएंगे और साथ में बलि भी चढ़ाएंगे। बलि का सामान भी तैयार है ग्रेट फ्यूमांचो। चिंकारा, हम खुश हुए। निंडा, इसे वापस पर्वतेश्वर जंगल भेज दो। यस ग्रेट फ्यूमांचो। मानचो, लिंडा, एक बात समझ में नहीं आई। आप हमेशा देवी शाल मंजिरा की पूजा के लिए ठीक 12 बजे ही क्यों जाते? What an intelligent question! हमें पूरा यकीन था लिंडा कि तुम हमसे ये प्रश्न करोगी, ये क्वेश्चन करोगी, क्योंकि पूरी दुनिया में अगर हमारे बाद कोई इंटेलिजेंट है तो वो हो तुम। कि वो मूर्ति श्रापित मूर्ति है, अगर उस मूर्ति के सामने 12 बजे से पहले और 1 बजे के बाद पहुंचेंगे तो हम में जितनी भी शक्तियां हैं वो हमसे छिन जाएंगी। इसलिए 12 बजे से पहले नहीं और 1 बजे के बाद नहीं, एग्जैक्ट 12 बजे। चिंकारा। ग्रेट फ्यूमांचो,
सुनसान जंगल में ये नगाड़ों का शोर, ये ध्वनि तरंगे, इन तरंगों का क्या मतलब है? खतरा खतरा, कोई आ रहा है, कोई आ रहा है। याहो, चीका पीका बूम। ये ध्वनि तरंगे, ये नगाड़ों की आवाज हमें ये बता रही हैं कि खतरा हमारी तरफ बढ़ रहा है। पर वो ये नहीं जानता कि मैडम मर्करी के सुरक्षा चक्र से बचना मुश्किल है। वो जो भी है उसे बंदी बनाकर हमारे दरबार में पेश किया जाए। याहू, चीका पीका बूम। मुझे लगता है मोंटी इन्हीं लोगों के कब्जे में है, और देवी शाल मंजूरा की गुफा के पहरेदार भी यही लोग हैं। मुझे इनसे लड़ना नहीं चाहिए, बल्कि चुपचाप अपने आप को इनके हवाले कर देना चाहिए। इसी बहाने कम से कम गुफा तक तो पहुंच जाऊंगा, तो मैं बेहोश हो ही जाता हूँ। लगता है ये बेहोश हो गया। चलो ले चलते हैं इसे मैडम मर्क्यूरी के सामने। चीका पीका बूम। तो ये है वो दुश्मन जिसने हमारी सीमा रेखा पार की थी। हमने तो सोचा था कि बहुत बड़ा दुश्मन होगा। लगता है शाल मंजिला हम पर बहुत प्रसन्न है, इसीलिए दो दो बच्चों को हमारे डिनर के लिए भेजा है। आप सब लोगों की तो ऐश है। और हाँ, इसे उस मोटे के साथ कैद कर दिया जाए। जश्न का असली मजा तो अब आएगा। चीका पीका बूम। तंदूर की आग और बढ़ा दो। बच गया। अरे गौरव, तू भी यहां फंस गया? चुप। यहां सामने खड़ी मौत साफ दिखाई दे रही है और तू कह रहा है चुप ना। मुझे सोचने दे। मौत के अलावा और तू क्या सोच सकता है? चुप ना। यहां से बाहर निकलने का रास्ता।
फ्यूमांचो को इतनी रात में नहाने की क्या जरूरत थी? निमोनिया हो सकता है, सर्दी जुकाम हो सकता है। बेवकूफ। मैं ये ग्रेट फ्यूमांचो नहीं, नहीं मैं गधा हूँ, बेवकूफ हूँ। लेकिन स्नान, ग्रेट फ्यूमांचो देवी शाल मंजिरा की पूजा की तैयारी कर रहे है। जय देवी शाल मंजिरा, चिंकारा लिंडा। अरे चीका पीका बूम, तंदूर तैयार है मैडम। तो देर किस बात की, बच्चों को लाया जाए, हमारी भूख भड़क रही है। चीका पीका बूम, जो हुकुम। अरे भाई कोई है, इसके पेट में दर्द हो रहा है। अरे भाई कोई है, मदद करो। अरे भाई साहब देखो, चल भाग, तू भाग अभी। क्या कर रहा है? अरे मेरी चप्पल, बाहर मेरी चप्पल, चल ना। अरे आ जरा से छोकरे भाग कर जाएंगे कहां? जाओ ढूंढो उन्हें। ये आजकल के बच्चे भी बड़े शैतान होते जा रहे हैं। ये हो चिका पिका वो
आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे। क्या फिमांचो देवी शाल मंजिरा की पूजा के लिए पहुंच पाएंगे? क्या जूनियर जी और मुंडिया देवी शाल मंजिरा की मूर्ति छुड़ा पाएंगे? जानने के लिए देखिए जूनियर जी का अगला एपिसोड। अब ना होगा जुल्म, ना होगे जुल्म के पहरेदार, अन्याय को जो काटेगी है ये वो तलवार। बनके सुदर्शन आया है, अब भर गई जुर्म गर्जी, थम गई पाप की आंधी, देखो दुश्मन भागा डर कर जी।